आसिम रियाज बिग बॉस के फर्स्ट रनर अप, इनको मिल रहे हैं बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आसिम रियाज को कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बिग बॉस के घर के अंदर तांडव करने के बाद आसिम रियाज को मिल रहे हैं लगातार बैक टू बैक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर हम सभी जानते हैं बिग बॉस के घर के अंदर आसिम रियाज ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की है, प्यार मोहब्बत दिखाया है, अपना नया एक एटीट्यूड लोगों के सामने लाया। आसिम रियाज को हमने देखा कभी गिरते हुए, कभी संभलते हुए, और जब वो बिग बॉस के घर के बाहर आ गए हैं तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में आसिम रियाज को ऑफ़र हुई है बैक टू बैक तीन बड़े एल्बम्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उनके पहले एल्बम से। उनका पहला एल्बम आने वाला है बोही मियाँ के साथ, जिनके साथ उन्होंने लाइव चैट किया था। बोही मियाँ जिन्होंने आसिम रियाज को ईयरफोन गिफ्ट किया था, उनके साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले हैं आसिम रियाज। तो वहीं पे आसिम रियाज का दूसरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है उनकी लेडी लव यानी कि हिमांशी खुराना के साथ। हिमांशी खुराना के साथ रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं आसिम रियाज। मे बी ये कोई पंजाबी सॉन्ग भी हो सकता है, बट अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है इस सॉन्ग पे। लेकिन इतना श्योर शॉट फिक्स है कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना एक साथ मिलकर लाने वाले हैं अपना एक सिंगल एल्बम। वेल, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों का जब एल्बम आएगा कितना सारा रोमांस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की जोड़ी फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फैंस चाहते हैं कि ये दोनों फॉरएवर एक हो जाए, यानी कि ये दोनों शादी कर लें। वेल, अभी तो ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अब शादी कब करते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आसिम रियाज के हाथ लगी है तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट यानी कि जैकलिन के साथ वो करने वाले हैं एक सिंगल सॉन्ग। वेल, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सिंगल सॉन्ग किस तरीके का होता है। लेकिन आसिम रियाज ने इस चीज़ पे कंफर्मेशन दिया है। आसिम रियाज ने एक रेडियो पोर्टल के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरे हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है जिसमें मुझे जैकलिन के अपोजिट काम करने का मौका मिल रहा है और ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्न होगा। वेल, इसके बाद देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जैकलिन और आसिम का प्रोजेक्ट कैसा होगा और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आसिम रियाज जब बिग बॉस के घर के अंदर थे, हमने उनकी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फाइट देखी थी, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोस्ती देखी थी। आसिम रियाज की जर्नी बिग बॉस के घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रही है, जहाँ पर हमने देखा आसिम रियाज जब शो के अंदर आए थे उनका कोई नाम नहीं था, कोई फ्रेम नहीं था, कुछ भी नहीं था, आसिम रियाज को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब वो घर के अंदर आए, उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फ्रेंडशिप किया, उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, फिर घर के अंदर आई हिमांशी खुराना जिनसे आसिम को प्यार हुआ, फिर आसिम ने अपने प्यार का इकरार किया, लेकिन तब तक हिमांशी खुराना घर छोड़ के जा चुकी थी। फिर बाद में हिमांशी वापस आती है आसिम के लिए, उनका लव कनेक्शन बन के यानी कि वाइल्ड कार्ड कनेक्शन बन के आती हैं आसिम के लिए। उसके बाद आसिम और हिमांशी की लव स्टोरी हमने देखी, फिर फिनाले में आसिम रियाज को फर्स्ट रनरअप बनते हुए हमने देखा। ये सारी आसिम रियाज की जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसके बाद अब आसिम रियाज फाइनली बिग बॉस के घर के बाहर आ चुके हैं और आसिम रियाज को मिल रहे हैं बैक टू बैक बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आसिम रियाज के नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।